कृषि वेस्ट एग्रीगेटर के कोर्स में आपका स्वागत है। हम मॉड्यूल रोजगार योग्यता और उद्यमिता कौशल के यूनिट डिजिटल साक्षरता कोर्स से शुरू करते हैं। कोर्स शुरू करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। इस इकाई में आप कुछ बुनियादी कंप्यूटर शब्दावली, कंप्यूटर के कुछ हिस्सों और उनके अनुप्रयोगों, एमएस ऑफिस और आउटलुक और ई कॉमर्स के बारे में जानेंगे। विवरण में जाने से पहले आइए इस इकाई को सीखने के उद्देश्यों पर एक नजर डालते हैं। इस इकाई के पूरा होने के बाद आप निम्न में सक्षम होंगे: कंप्यूटर और कीबोर्ड के बुनियादी हिस्सों की पहचान करने में, बुनियादी कंप्यूटर शब्दावली और बुनियादी कंप्यूटर कीज के कार्यों को याद करने में, एमएस ऑफिस के मुख्य अनुप्रयोगों और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के लाभों पर चर्चा करने में, ई कॉमर्स के विभिन्न प्रकारों और लाभों पर चर्चा करने में। चर्चा करें कि कैसे डिजिटल इंडिया अभियान भारत में ई कॉमर्स को बढ़ावा देने में मदद करता है। वर्णन करना कि आप किसी उत्पाद या सेवा को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कैसे बेचेंगे। आइए पहले कंप्यूटर और इंटरनेट की बुनियादी बातों पर आपके ज्ञान को फिर से दोहराएं। इस इकाई में आप कवर करेंगे: कंप्यूटर के मूल भाग, कंप्यूटर डेस्कटॉप के मूल तत्व, कीबोर्ड के मूल भाग और बुनियादी इंटरनेट शर्तें। कंप्यूटर के मूल भागों में शामिल हैं। अधिक जानने के लिए हाइलाइट किए गए भागों पर क्लिक करें। कंप्यूटर डेस्कटॉप के मूल तत्वों में शामिल हैं। उस हिस्से के बारे में जानने के लिए प्रत्येक हॉटस्पॉट आइकन पर क्लिक करें। आइए अब हम बुनियादी कंप्यूटर कुंजियों और उनके कार्यों से परिचित हों। उनके कार्यों को समझने के लिए कीबोर्ड पर हाइलाइट किए गए भाग पर क्लिक करें। आइए अब हम इंटरनेट संबंधी मूलभूत शब्दों के बारे में जानें। इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय संग्रह जो सूचना स्थानांतरित करता है। वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसी प्रणाली जो आपको इंटरनेट पर जानकारी का उपयोग करने देती है। वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट पर एक स्थान जिसमें किसी विशिष्ट विषय के बारे में जानकारी होती है। होम पेज एक वेबसाइट के बारे में जानकारी प्रदान करता है और आपको उस वेबसाइट के अन्य पृष्ठों पर निर्देशित करता है। लिंक या हाइपरलिंक एक हाइलाइट या रेखांकित चिन्ह, ग्राफिक या टेक्स्ट जो आपको किसी अन्य फाइल या ऑब्जेक्ट पर ले जाता है। वेब पता या URL एक वेबसाइट के लिए पता। एड्रेस बॉक्स ब्राउजर विंडो में एक बॉक्स जहां आप एक वेब एड्रेस टाइप कर सकते हैं। इस इकाई में आपने निम्न के बारे में सीखा: कंप्यूटर के मूल भाग, कंप्यूटर डेस्कटॉप के मूल तत्व, एक कीबोर्ड के मूल भाग, इंटरनेट संबंधी मूलभूत शब्द। आइए अब एमएस ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पर एक नजर डालते हैं। आइए अब विभिन्न एमएस ऑफिस एप्लीकेशंस के उपयोग और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के लाभों के बारे में चर्चा करें। इस इकाई में आप कवर करेंगे सबसे लोकप्रिय एमएस ऑफिस एप्लीकेशन और उनका उपयोग, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के लाभ विशेष रूप से कार्यस्थल में, या एमएस ऑफिस के बारे में कुछ विवरणों पर चर्चा करें। एमएस ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाए गए कंप्यूटर प्रोग्राम का एक समूह है। इसके विभिन्न संस्करण छात्रों, घरेलू उपयोगकर्ताओं और व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं की सहायता करते हैं। सभी एप्लीकेशन विंडोज और मैकिंटोश दोनों के साथ संगत हैं। सबसे लोकप्रिय और सार्वभौमिक रूप से उपयोग किए जाने वाले एमएस ऑफिस एप्लीकेशन में से कुछ: माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हैं। अधिक जानने के लिए प्रत्येक उत्पाद पर क्लिक करें। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक लोकप्रिय ईमेल प्रबंधन एप्लीकेशन है, खासकर कार्यस्थल में। इसमें एक एड्रेस बुक, नोटबुक, वेब ब्राउजर और कैलेंडर भी शामिल है। आउटलुक के कुछ प्रमुख लाभ एकीकृत खोज कार्य, बेहतर सुरक्षा, ईमेल सिंकिंग और ईमेल तक ऑफलाइन एक्सेस है।
अधिक जानने के लिए प्रत्येक लाभ पर क्लिक करें। इस इकाई में आपने निम्न के बारे में सीखा: माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या एमएस ऑफिस की मूल बातें, सबसे लोकप्रिय एमएस ऑफिस एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के लाभ। आइए अब ई कॉमर्स पर एक नजर डालते हैं। आइए अब हम ई कॉमर्स और रिटेल विक्रेताओं और ग्राहकों के लिए ई कॉमर्स के प्रकारों और लाभों के बारे में चर्चा करें। इस इकाई में आप कवर करेंगे विभिन्न प्रकार के ई कॉमर्स, रिटेलर विक्रेताओं और ग्राहकों के लिए ई कॉमर्स के लाभ, डिजिटल इंडिया अभियान के लक्ष्य और उद्देश्य, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर किसी उत्पाद या सेवा को बेचने की प्रक्रिया। आइए पहले ई कॉमर्स के बारे में कुछ विवरणों पर चर्चा करके इकाई शुरू करते हैं। ई कॉमर्स इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद या बिक्री या पैसे या डेटा का संचारण है। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का संक्षिप्त रूप है। ई कॉमर्स के कुछ उदाहरण: ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन नीलामी, ऑनलाइन टिकटिंग, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और इंटरनेट बैंकिंग। लेन देन में सहभागियों के प्रकार के आधार पर ई कॉमर्स को वर्गीकृत किया जा सकता है। ई कॉमर्स के प्रमुख प्रकार हैं बिजनेस टू बिजनेस या B2B, बिजनेस टू कंज्यूमर या B2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर या C2C, कंज्यूमर टू बिजनेस या C2B, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन या B2A और कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन C2A। अधिक जानने के लिए प्रत्येक प्रकार पर क्लिक करें। ई कॉमर्स व्यवसाय रिटेलर विक्रेताओं और ग्राहकों के लिए लाभ प्रदान करता है। रिटेलर विक्रेताओं के लिए लाभ: ऑनलाइन उपस्थिति स्थापित करता है, ऊपरी लागतों को हटाकर परिचालन लागतों में कमी लाता है, अच्छे कीवर्ड के उपयोग के माध्यम से ब्रांड जागरूकता में वृद्धि करता है, भूगोलीय और समय की बाध्यताओं को हटाकर बिक्री में वृद्धि करता है। ग्राहकों के लिए लाभ: किसी भी भौतिक स्टोर से कहीं बड़ी श्रेणी के विकल्प पेश करता है, दूरस्थ स्थानों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी सक्षम करता है, ग्राहकों को दाम की तुलना करने में सक्षम करता है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को डिजिटल सेवाओं, ज्ञान और सूचनाओं तक पहुंच प्रदान करना था। अभियान का उद्देश्य देश के ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार करना और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। इस प्रकार ई कॉमर्स उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में अधिकांश ऑनलाइन लेन देन टियर 2 और टियर 3 शहरों से होते हैं। एक बार डिजिटल इंडिया अभियान शुरू हो जाने के बाद भारत सरकार मोबाइल कनेक्टिविटी के माध्यम से सेवाएं प्रदान करेगी, जिससे देश के दूरदराज के कोनों में इंटरनेट पहुंचाने में मदद मिलेगी। इससे ई कॉमर्स बाजार को भारत के टियर 4 कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश करने में मदद मिलेगी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उत्पाद या सेवा बेचते समय निम्नलिखित चरणों का पालन करना चाहिए: ऑनलाइन बेचे जाने वाले उत्पाद या सेवा को चुनना, मौजूदा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग कैसे करेंगे या अपना उत्पाद या सेवा बेचने के लिए एक नया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कैसे बनाएंगे, यह समझते हुए एक छोटी टिप्पणी लिखें, अपना उत्पाद या सेवा बेचें। आइए अब समझते हैं कि पैसा क्यों मायने रखता है। इस इकाई में आपने निम्न के बारे में सीखा: ई कॉमर्स और ई कॉमर्स के उदाहरण, ई कॉमर्स के प्रकार, रिटेलर विक्रेताओं और उपभोक्ताओं दोनों को ई कॉमर्स के लाभ, डिजिटल इंडिया अभियान के लक्ष्य, उद्देश्य और लाभ, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर किसी उत्पाद या सेवा को बेचने की प्रक्रिया।